अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया में जावा से भारतीय नागरिक अजमेर दरगाह के शाही कव्वाल शेख सादिक हुसैन बरसों बाद सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में अपनी फैमिली के साथ ज्यारत करने पहुँचे, जहाँ उन्होंने बैंड बाजा और सूफियाना कव्वालियों के साथ ख्वाजा साहब के आस्थाना पर अकीदत की चादर पेश की। चादर का जुलूस दरगाह बाजार से शुरू हुआ, जिसमें अजमेर सहित देश भर के कव्वालों ने एक साथ मिलकर सूफियाना मनकबत का नजराना पेश किया। शेख सादिक हुसैन अमेरिका से भारत सूफी खानकाहों और औलिया इकराम की मज़ारात पर हाजिरी देने पहुँचे हैं। उन्होंने कश्मीर और कर्नाटक समेत दिल्ली और राजस्थान में भी अपना धार्मिक सफर जारी रखा है। अजमेर पहुंचने पर दरगाह के खादिम सैयद नूर आलम चिश्ती और अजमेर दरगाह के कव्वालों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। गौरतलब है कि शेख सादिक हुसैन दरगाह के शाही कव्वाल मरहूम साबी हुसैन के बेटे हैं। सादिक हुसैन अमेरिका में रहते हुए पिछले 10 सालों से समाजसेवी कार्य भी अंजाम दे रहे हैं। कोरोना काल से लेकर बड़े त्योहारों पर भी अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और आस पड़ोस में भी तोहफे भेजकर उनका हाल चाल पूछते रहे हैं। बंदा।